हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम लोग आ चुके हैं अच्छा वाटिका प्रयागराज। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, जैसे इधर देख रहे हो ये। अब अंदर प्रवेश करते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ इस तरह का सीन है गाइज। आप लोग अंदर जाके दिखाते हैं, बहुत ऊपर चढ़ चुके हैं। ये देखो हम लोग गाइज जा रहे हैं बहुत दूर है। हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं दर्शन करने के लिए। हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं तब राजा दर्शन बहुत सारे नीचे यहाँ मंदिर बने हुए हैं, सबको दिखाई दे रहा है। आपको वही सारी चीजें दिखाते हैं, ये तो बहुत सारे तरीके से अलग अलग ये है। हेलो भाई, आपको दिखाते हैं, ये देखो ये बहुत बना हुआ दीपक गांव यहाँ है, बहुत बड़ा है सनी। देखो इसमें पूरा टोटल पूरा आयल से भरा हुआ दीपक जल रहा है, कम से कम इसमें और 40 से 50 लीटर के अंदर भी दिखाते हैं। हेलो भाई, जैसे हम लोग आ चुके हैं यहाँ से, इतना हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे थोड़ा, वहाँ से अंदर घूम आए तो वहाँ ये अब गाइज हम लोग यहाँ से बाहर निकल, आपको आगे दिखाएंगे। हेलो गाइज, अब हम लोग फाइनल वहाँ से बाहर निकल आए, आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। देखो कुछ इस तरह है, यहाँ पे ये पीपल का वृक्ष है, यहाँ पे देखो सारे लोग परिक्रमा वगैरह भी करते हैं, वो सारी चीज़ें जो जिसकी इच्छा होती है। हेलो गाइज, हम लोग फाइनल अब बाहर निकल चुके हैं। आप गाइज देखो इस तरह यहाँ से जाने का रास्ता है, यहाँ से हम लोग धीरे धीरे अब जा रहे हैं वापस, फिर आगे गाइज आपको दिखाते हैं। हेलो गाइज, जैसे ये देखो उतरने के लिए होना है, बहुत वैसा बना है, जब आइएगा बड़े आराम से आइए, वरना गिरने के बहुत 100% चांस रहते हैं। ये देखो बहुत ढलान है, पहाड़ में बना हुआ है ना, अच्छे ढलान। हेलो गाइज, हम लोग बाहर आ चुके हैं, अब यहाँ देखते हैं इस तरह बैनर टाइम में लगा हुआ है नेट तरीके से। अब यहाँ गाइज देखते हैं आगे का रास्ता, हमको मालूम नहीं है तो क्योंकि पहली बार आए हैं। अब देखो आगे जाते हैं गाइज, देखते हैं कि आगे क्या मतलब कैसा है, आप लोगों को भी दिखाते हैं अच्छे से। गाइज आपको दिखाते हैं, देखो कितना ऊँचे ऊँचे, बिल्कुल जो ओल्ड वर्जन के ना पुराने अच्छे वाटिका प्रयागराज में देखो इस तरह से बनी हुई है। ये देखो गाइज नेट वगैरह, यहाँ से लोग जाते हैं और जब वापस आते हैं तो इधर से आते हैं। ये थर्ड मल्ला इस वजह बना हुआ है कि ज़्यादा बैनर भीड़ वगैरह लगे ना इस वजह से, लेकिन जो रोड वगैरह है तो वो कच्ची ही है, अभी कोई वैसा निर्माण नहीं है जो मतलब। ये देखो गाइज, आपको लोग देख रहे थे मेरे पीछे कुछ लोग आ रहे हैं, आपको बताते हैं। ये देखो इस तरह से ओल्ड मतलब काफ़ी पुराने नेट वगैरह लगा दिया गया है कि वहाँ कोई अंदर ना जा सके, इस वजह पता नहीं किस मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर वगैरह बने हुए हैं। बाकी ये देखो
हेलो गाइस, जैसे देख रहे हो वहाँ पे ब्रच दिवस हुआ, तो वैसा कुछ कोई खास वगैरह नहीं है, बस एक ब्रच वगैरह है वही अच्छा वाटिका के पास, उसके सिक्योरिटी के लिए बना रखा है, पुराने जल वगैरह है ना, मतलब ब्रच पुराना है इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। और वो ऐसा कुछ हमें खास दिखा रहे कि मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा खास लगा हो कि मतलब यहाँ पे दिखाते हैं गाइस, ये पुराने ओल्ड वर्जन तरीके बने हुए मंदिर है, लेकिन बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कोई विशेष नेट वगैरह जाल वगैरह ना लगा रखा है, कोई वैसा कोई खास वगैरह नहीं वहाँ पे। तो ये मान लो पुराने गुफा के तरीके बना, लेकिन हमको भी नहीं पता है कि मतलब ये क्या मतलब है, मतलब इतना मालूम है कि मतलब बनना है। जैसे गाइस आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लिखा है फोटो खींचना सख्त मना है, लेकिन गाइस फिर भी हम अपने रिक्स लेके आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे क्या होता है। हेलो गाइस, हम फाइनल बाहर निकल चुके हैं, आपको दिखाते हैं, देखो बहुत थक गए हम लोग, गाइस फाइनल दिखाते हैं, हम लोग अच्छे वाटिका से अंदर प्रवेश हो गया, बाहर निकल चुके हैं, आप गाइस आपको दिखाते हैं, ये देखो हम लोग बाहर निकल चुके हैं। आप लोगों को कैसा लगा दिखाया, जैसा लगा आज हो मुझे भरोसा आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जब आप कमेंट जरूर। हेलो गाइस, जैसे आप लोगों को दिखा चुके हैं अच्छा वाटिका के मतलब कैसा क्या है पूरा प्रदर्शन, आपको दर्शन दिखा चुके हैं गाइस। वहाँ पे कैमरा वगैरह ले जाने के लिए मना कर रखा है, वहाँ पे खुले शब्दों में लिखा भी है, जो कोई ले भी जाता है उसको बंद भी मतलब मोबाइल वगैरह छीन लिया, लेकिन हम तो अपने रिक्स में ले जाकर आप लोगों को दिखाया गाइस। आप लोगों को कैसा लगा गाइस कमेंट करके जरूर बताइए, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला अगला वीडियो आप तक नोटिफिकेशन आ सके गाइस। इसी प्रकार से प्यार बनाए रहिए गाइस, फिर मिलते हैं गाइस अगले नेक्स्ट वीडियो में।